Hello friends, good morning. Welcome to Selection Mentor. I am Garima, selected as SBI clerk in 2019. जैसे कि आप सब लोगों के reviews के बाद हम एक course launch करने जा रहे हैं हमारे platform पे, जो कि बिल्कुल free of cost रहेगा और हम सब experienced educators आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे कि किस तरह से आप लोग अपने target को achieve कर सकते हो. और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ये जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, अपने एक्सपीरियंस से हम लोग हेल्प करेंगे कि किस तरह से टाइम को सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट्स किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेसी के साथ. और अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है. कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सब आसान होता है. अगर मैं कर सकती हूँ एज एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते, तो कोई भी कर सकता है, मेरा ये मानना है. बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं और पूरी हेल्प करेंगे आप लोगों को आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अचीवमेंट लेने के लिए होती है कॉन्टीन्यूटी. आपको कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखना होता है. जब तक कॉन्टीन्यूटी रहेगी, आप लोग किसी चीज़ के टच में रहोगे, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. अब बात आती है कि हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू. हाउ टू डू का जब हम आंसर करेंगे, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एसबीआई क्लर्क में 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश. सिलेक्शन मेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊंगी. ये सबको पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या आने वाला है. इन सब पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा काम की बात पे जाते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्किंग होने के साथ इतना टाइम आपको देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन जितनी हेल्प मैं कर सकूँगी उतनी करूँगी. तो हाउ टू डू में पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी. मेरा रूटीन था कि इंग्लिश का क्या है कि सब लोग शॉर्टकट्स बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता. जितना लंबा रास्ता आप चलोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा पार्ट जो रीडिंग बेस्ड होता है, सेकंड एक जो ग्रामर बेस्ड होता है. मेरे लिए जो ग्रामर बेस्ड जो पार्ट था वो ना के बराबर था, क्योंकि मैंने ग्रामर कभी की ही नहीं. मैं हमेशा रीडिंग को लेके चलती थी और रीडिंग से ही मेरे ग्रामेटिकल टॉपिक अपने आप हो जाते थे. सिर्फ शुरू में एक बार आप लोग ग्रामर के रूल्स को पढ़ो, सिर्फ उन्हें पढ़ो, उन्हें याद मत करो. पढ़ने के बाद बस आप फिर सीधा प्रैक्टिस पर खुद को लेकर आओ. जैसे ही प्रैक्टिस पर लेके आ रहे हो खुद को, आपको पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा रीडिंग को देना है. अब कई लोगों को लगता है कि जो रीडिंग है वो बोर होते हैं हम रीडिंग करते हुए, तो इंटरेस्टिंग चीज़ों की रीडिंग करो. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग न्यूज़पेपर रीड करो. न्यूज़पेपर रीड करने के फ़ायदे ये होते हैं कि हम करंट के टच में रहते हैं, लेकिन अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो वो नॉवेल्स या फिर कोई और स्टोरीज बुक पढ़ सकता है. और सेकंड थिंग, अगर आपको ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं, जैसे कि फ्रेज टेस्ट, एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैराजम्बल, ये जो चीज़ें हैं, पैराजम्बल तो खैर रीडिंग के बेस पर होता है, ये जो चीज़ें हैं ये भी आप रीडिंग के बेस पे इजीली कवर कर पाओगे, जैसे कि मैंने किया था. मैं कभी भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स को नहीं उठाती थी, हमेशा रीडिंग करती थी और रीडिंग के बाद प्रैक्टिस करती थी. तो यहाँ पे भी इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी हेल्प, उन्हीं टॉपिक को किस तरह हम रीडिंग से कर सकते हैं वो हेल्प करूँगी आपकी. और सारा दिन इंग्लिश ही नहीं करनी, रीजनिंग और क्वांट को टाइम देना है. लेकिन इंग्लिश क्या है कि सब लोग नहीं कर पाते, और आज के टाइम पे जहाँ 100 में से कट ऑफ 70, 72 और 75 जा रही है, तो उसके लिए हम 35, 70 रीजनिंग क्वांट में से 70 में से 70 हर कोई नहीं ले सकता. अगर हम 65 भी मान के चल रहे हैं, तो 12, 15 या 20 मार्क्स तो हमारे इंग्लिश में आने ही चाहिए. तो मैंने भी ऐसे किया, क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने टारगेट को अचीव किया. मैं फिलहाल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करती थी. मैंने 1.5 से 2 घंटा रीडिंग करनी, उसमें जो वोकैब आ रही है उस वोकैब को कभी नहीं लिखती थी, हमेशा साथ के साथ गूगल पे सर्च किया, किसी डिक्शनरी में सर्च किया और उसको सिर्फ रिवाइज करती थी. उसके बाद मैं मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे. जो मॉक लगाती थी उसमें जो इंग्लिश आ रही है उसको ढंग से करती थी. अब बात आती है व्हाट टू डू. व्हाट टू डू में हमें क्या करना है कि डेली का एक मॉक लगाना ही लगाना है. मॉक को तुम एक मेडिसिन की तरह ले लो, अगर तुम
बैंक की तैयारी कर रहे हो, अगर तुमको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, डेली मॉक लगाओ, सिर्फ लगाओ ही नहीं उसको एनालिसिस भी करो। अब उसको एनालिसिस किस तरह से करना है ये बताऊंगी मैं आपको व्हाट टू डू में। फॉर एग्जांपल आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, इट मीन्स एरर ऑफ फ्रेज बहुत अच्छे हैं, तो उस टाइम के दौरान आप एरर फ्रेज तो करोगे ही करोगे। अगर आपका पैरा जंबल, आप फर्स्ट टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करोगे कि मेरा पैरा जंबल वीक है, क्लोज टेस्ट वीक है या फिर रीडिंग वीक है। अगर जिसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन वीक है तो क्या है, वो डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन लगाओ ही लगाओ, और जिसका पैरा जंबल वीक है वो डेली पैरा जंबल लगाओ। एक वीक के अंदर आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि हाँ अब मेरा पैरा जंबल है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, और ऐसे इम्प्रूव होते होते कब पूरी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब इंग्लिश की बात आती है तो हम बिल्कुल गेस मारने पे उतर आते हैं, लेकिन नहीं, जब भी इंग्लिश का टेस्ट लगाओ तो गेस बिल्कुल नहीं करना। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हों को ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है। आप मॉक में एक टाइम रिस्क ले सकते हो, लेकिन मेन एग्जाम में आप रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए अपनी हैबिट शुरू से ऐसी बनाओ कि आप लोगों को जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही करो, उसके बाद जब एनालिसिस कर रहे हो तब उस टॉपिक को अलग से उठा लो कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इस पर मुझे काम करना है, और जो टॉपिक वीक होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। दिन में एक रीडिंग, एक पैरा जंबल और एक क्लोज टेस्ट तो लगाओ ही लगाओ। उसके अलावा आप वीडियोज़ को देख के, ग्रामेटिकल जो वीडियोस हैं, एरर वगैरह की वीडियोस देख के सोच सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वीडियो देखते हैं और वीडियो देखते ही जो टीचर है वो आंसर पहले बता देता है और आंसर देख लेते हैं, फिर हम खुद का अनुमान गैस नहीं लगा सकते कि वो ठीक, हमने जो लगाया है वो ठीक है या गलत है। इसीलिए हमेशा पहले उस वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो कि क्या आंसर हो सकता है, और अगर फिर आंसर, आपका आंसर और जो एडुकेटर है उसका आंसर वेरी कर रहा है तो उसका रीज़न देखो। ऐसा करने से आपके जो एरर हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और डेली रीडिंग करो, रीडिंग को अपनी हैबिट बना लो, हर चीज़ को रीड करने की, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी काम आएगा पज़ल को लेकर। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसीलिए हम जो हमारा प्लेटफॉर्म है सिलेक्शन मेंटर, उस पर लेकर आ रहे हैं एक कोर्स इस मंडे से, जिसमें हिमांशु सर आपको रीजनिंग कराएंगे, अंकुर सर आपको क्वांट कराएंगे, और मैं गरिमा, अभी अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एसबीआई क्लर्क में, और मैं आपको यहाँ इंग्लिश कराऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस को स्प्रेड कर सकूँ, जिससे सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू, दैट्स ऑल। उम्मीद करूंगी आप लोग मंडे को हम सब से जुड़ेंगे और फ़ायदा उठाएंगे कि किस तरह से हम अपने एक्सपीरियंस से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।